हे भारतवासियों, तो कैसे आप सब दोस्तों। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत ऑफ क्यूरियोसिटी। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत के ऐसे 12 शहर जो कि सबसे गर्म रहते हैं गर्मियों में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा श्री गंगानगर शहर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और हमारे देश में दोस्तों अभी तक का सबसे गर्म शहर रह चुका है ये दोस्तों। तो ये श्री गंगानगर शहर जो है दोस्तों, ये बेसिकली दोस्तों राजस्थान में है और इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर रह चुका है अभी तक 50 डिग्री सेल्सियस। और इसका एवरेज हाई टेम्परेचर जो होता है ना दोस्तों, वो 41 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मई और जुलाई के महीने में होता है। और दूसरा हमारी लिस्ट में जो शहर है दोस्तों, भारत का सबसे गर्म शहर, उसका नाम है झांसी। अब ये शहर आपको पता है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, उसके नाम पे रखा हुआ है, जो कि झांसी में है उत्तर प्रदेश के। और इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर है दोस्तों 48 डिग्री सेल्सियस। और इसका एवरेज जो टेम्परेचर रहता है ना गर्म, वो रहता है दोस्तों 46 डिग्री सेल्सियस अप्रैल से जुलाई के महीने। अब जो तीसरा शहर हमारी लिस्ट में है ना दोस्तों, उसका नाम है नागपुर। अब ये शहर आपको पता है दोस्तों महाराष्ट्र में है और इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है। अब ये भी बहुत ज़्यादा गर्म शहर है दोस्तों और इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर रहता है 48 डिग्री सेल्सियस। और इसका एवरेज हाई टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री सेल्सियस अप्रैल से जून के महीने में। और जो चौथा शहर हमारी लिस्ट में है दोस्तों, इसका नाम है डाल्टनगंज। अब दोस्तों ये शहर जो है ये झारखंड स्टेट में है, जो हमारा झारखंड राज्य है हमारे देश का। और इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर है दोस्तों 48 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो एवरेज टेम्परेचर रहता है ना, मतलब हर साल गर्मियों में वो रहता है तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगला पांचवा शहर हमारी लिस्ट में है दोस्तों बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अब इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर रहता है दोस्तों 49 डिग्री सेल्सियस। और इसका एवरेज जो टेम्परेचर होता है ना हर साल गर्मी में, वो रहता है दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस अप्रैल और जून के महीने तक। छः नंबर का शहर है दोस्तों हमारी लिस्ट में, उसका नाम है विजयवाड़ा। अब ये शहर जो दोस्तों है ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है। इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर रहता है दोस्तों 49 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो एवरेज हाई टेम्परेचर रहता है ना हर साल, वो रहता है 45 डिग्री सेल्सियस मई के महीने में। अब जो सातवां शहर हमारी लिस्ट में है दोस्तों, इसका नाम है रैंता चिंताला। अब ये जो रैंता चिंताला शहर है दोस्तों, ये है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, जो आंध्र प्रदेश में वहाँ पे है। और इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर रहता है दोस्तों 52 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो एवरेज हाई टेम्परेचर रहता है हर साल, वो रहता है 45 डिग्री सेल्सियस मार्च से जून के महीने में। अब जो आठवां शहर हमारी लिस्ट में है दोस्तों, इसका नाम है तितलागढ़। अब ये जो तितलागढ़ शहर है दोस्तों, ये उड़ीसा में पड़ता है। और इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर रहता है 48 डिग्री सेल्सियस। और इसका एवरेज हाई टेम्परेचर हर साल होता है तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस मार्च से जून के महीने में। अब जो नवा नंबर शहर है ना हमारी लिस्ट में दोस्तों, इसका नाम है वर्धा, जो कि नागपुर में है महाराष्ट्र के। और इसका रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर रहता है 48 डिग्री सेल्सियस। और इसका एवरेज हाई टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री सेल्सियस अप्रैल से जून के महीने में। अब जो दसवां शहर हमारी लिस्ट में है दोस्तों, इसका नाम है दिल्ली, जिसका कि रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस। और एवरेज हाई टेम्परेचर इसका रहता है 47 डिग्री सेल्सियस हर साल मई से जून के महीने में। अब जो ग्यारहवां शहर हमारी लिस्ट में है दोस्तों, इसका नाम है बांदा। अब ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों एक उत्तर प्रदेश में, तो इसी जगह को बांदा बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म शहर है और इसका हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों 48 डिग्री सेल्सियस। अब आखिरी शहर हमारी लिस्ट में है दोस्तों 12 नंबर पर, इसका नाम है आगरा। ये शहर आपको पता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल यहाँ पर है। और इसका जो रिकॉर्ड टेम्परेचर अभी तक रहा है ना दोस्तों पिछले कुछ सालों में, वो रहा है 49 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म शहर है ये। अब दोस्तों आज तो ये बात हुई 12 ऐसे गर्म शहरों के बारे में, जो हमारे देश के सबसे गर्म शहर है और जहाँ आप कभी भी गर्मी में जाना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे भारत के बारे में, भारत के शहरों के बारे में और भारत के लोगों के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए।